Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 12.3 from chapter 12 mensuration. तो इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है. तो देखिए, वॉल्यूम हम बोलते हैं अगर कोई सॉलिड, कोई भी सॉलिड थिंग कितना स्पेस ले रहा है, उस स्पेस का मेजरमेंट वॉल्यूम कहलाता है. नाउ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, जब क्वेश्चन में आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हो, देन हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे. उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH. क्लियर. एंड जब आपको क्वेश्चन के अंदर बेस एरिया दिया हो, क्यूबॉइड का बेस एरिया एंड हाइट गिवन है, देन हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. क्लियर. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यू, और आप साइड की जगह लेंथ ऑफ एन एज होता है तो एल थ्री भी इस तरह से भी लिख सकते हो. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर. एंड पाई की वैल्यू अब आप समझ गए हो, जानते हो कि पाई की वैल्यू क्या यूज हम करते हैं, 22/7 और 3.14. क्लियर. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 343 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब. तो यहाँ हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है एंड उसके एक एज का लेंथ का हमें पता करना है, दैट मीन्स वन साइड मालूम करना है. सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 343 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं यहाँ, जिससे क्लियर हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, साइड क्यू आप इसकी जगह पे चाहो तो लेंथ ऑफ एंड एज लिख कर एंड उसका होल क्यू लिख सकते हैं. ठीक है, यह हमने फॉर्मूला लिख लिया इज इक्वल टू 343. नाउ हमें वन साइड पता करना है, सो लिख लेंगे साइड इज इक्वल टू क्यूबिक. तो जब हम यहाँ क्यूबिक में हैं तो ओनली वन साइड लेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा. सो क्यूबिक रूट ऑफ 343, अब इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो जो कि 7 सेंटीमीटर होता है, ये आंसर हमारा हो गया. नाउ क्वेश्चन टू इज, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. फर्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 90 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, लेंथ फाइंड करने हैं, ब्रेथ एंड हाइट 5 and 3 दे रखा है. सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला ले लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्लियर. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, 90 इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करने इसे एज इट इज रहने देंगे, एंड ब्रेथ हमारा 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर. नाउ इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 3 से 90 को डिवाइड किया 30 टाइम्स में, नाउ 5 से 30 डिवाइड किया 6, सो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा लेंथ ऑफ वन साइड आ गया एंड यही हमारा आंसर है. नाउ इट्स सब पार्ट टू इज, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है. सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों ही गिवन है. सो इज इक्वल टू 15 × 8 × 7 × किया तो 840 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर. क्लियर. एंड जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमेशा याद रखना यहाँ क्यूबिक आ जाएगा, क्यूबॉइड का निकाल रहे हैं इसलिए. सब पार्ट थ्री में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, यहाँ हमें हाइट फाइंड करने हैं. सो पहले हम फॉर्मूला ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्यूब वॉल्यूम दिया गया है 62.5, क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू लेंथ 10, ब्रेथ 5 एंड हाइट हमें फाइंड करने हैं. नाउ 5 से 62.5 को डिवाइड किया तो आ गया 12.5. अब यहाँ पे देखिए 12.5/10 इज इक्वल टू हाइट. क्लियर. अब नीचे में 10 है, डिवाइड करना है तो क्या होगा, ये डेसिमल 10 है, सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट मूव कर जाएगा. सो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.25, वही हमने लिख लिया 1.25 मीटर इज इक्वल टू हाइट. नाउ क्वेश्चन 3 इज, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 312 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस एरिया इज 26 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ देखिए हमें हाइट ऑफ क्यूबॉइड को निकालने हैं, वॉल्यूम दिया गया है क्यूबॉइड का एंड बेस एरिया 26 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो हमने फार्मूला दो देखा था, एल इंटू बी इंटू एच या बेस एरिया इंटू हाइट, दोनों में से कोई भी फार्मूला लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. एंड बेस एरिया दैट मीन्स एल इंटू बी, बेस एरिया का मतलब होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ. क्लियर. सो मैंने यहाँ दोनों ही फार्मूला लिख के आपको दिखाया, आपको एक फार्मूला लिखना है. सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल इंटू बी ही बेस एरिया होता है, तो इसकी जगह हम बेस एरिया लिख लेंगे. या फॉर्मूला लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. ठीक है.
नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 312 इज इक्वल टू बेस एरिया दिया गया है 26, दैट मीन्स एल इंटू ब्रेथ 26 इंटू हाइट, हाइट को एज इट इज रहने देंगे। नाउ इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले 2 से 312 को डिवाइड किया 156, 2 से 26 को डिवाइड किया 13, नाउ इस 13 से 156 को डिवाइड किया तो आ गया 12। सो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये हाइट है, सो हाइट ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर्स 55 मीटर इंटू 45 मीटर इंटू 30 मीटर। ठीक है, गोडाउन जो है किस शेप में है, क्यूबॉइड में, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 1.25 मीटर क्यूबिक। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्यूबॉइड शेप का गोडाउन है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, और हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि क्यूबॉइड शेप का ही कितना बॉक्स इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम 1.25 क्यूबिक मीटर है, सो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू 55 इंटू 45 इंटू 30 इज इक्वल टू इंटू किया सबको, तो ये आ गया हमारा 74.250 क्यूबिक मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स ये हमारा गिवन है 1.25 क्यूबिक मीटर। क्लियर, सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस गोडाउन में स्टोर हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को में वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से डिवाइड कर देंगे। तो वो हमने लिख लिया 74,250। क्लियर, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, 74,250 क्यूबिक मीटर, आई थिंक मैंने पॉइंट बोल दिया था। अब यहाँ देखते हैं 74,250 अपॉन 1.25। नाउ इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद टू डिजिट है, दैट मीन्स 20 ऊपर आ गया। सो 74,250 इंटू 100 अपॉन 125 से इसे डिवाइड किया तो आ गया 594। नाउ 594 इंटू 100 इज इक्वल टू 59400 इज द आंसर। दैट मीन्स 59,400 बॉक्सेस उस गोदाम में स्टोर हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 इज और रेक्टेंगुलर पिट 1.4 मीटर लॉन्ग 90 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 70 सेंटीमीटर डीप वॉज डग। क्लियर, एक रेक्टेंगुलर पिट है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, डीप यानी कि हाइट, एंड 1000 ब्रिक्स ऑफ बेस 21 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर वर मेड फ्रॉम द अर्थ डग आउट, फाइंड द हाइट ऑफ ईच ब्रिक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पिट की खुदाई की गई, डग किया गया, जिसमें से 1000 ब्रिक्स आते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, इस 1000 ब्रिक में से वन ब्रिक का आपका यहाँ पे दिया गया है 21 सेंटीमीटर बाई 10.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ ईच ब्रिक, तो इनका हाइट बताना है, लेंथ ब्रेथ तो गिवन है बट इसका हाइट नहीं गिवन है, तो वन ब्रिक का हमें हाइट पता करने हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पिट का जो गिवन लेंथ ब्रेथ हाइट है वो लिख लेंगे। तो वो मैंने यहाँ लिख लिया, लेंथ इज इक्वल टू 1.4 मीटर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में तो हो गया 140 सेंटीमीटर, ब्रेथ 90 सेंटीमीटर, हाइट 70 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिट इज इक्वल टू एल बी एच इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट 140 इंटू 90 इंटू 70। ठीक है, इसे लिखकर इंटू कर लिए तो ये आ गया हमारा 8,82,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, जब भी हम वॉल्यूम किसी का भी लिखेंगे तो उसमें यहाँ पर क्यू आएगा, ठीक है, थ्री आएगा। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पीट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स डग आउट दिया गया, टोटल 1000 ब्रिक्स आते हैं तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ पीट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एंड हमें क्वेश्चन में वन ब्रिक ईच ब्रिक का हाइट पता करना है। तो हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ले लेंगे, देन इसका फॉर्मूले का यूज करके एल इंटू बी इंटू एच हाइट हम पता कर सकते हैं। सो हमने इस तरीके से इसे लिख लिया। नाउ वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स डग आउट ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, 1000 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिट अभी हमने फाइंड किया उसे यहाँ लिख लिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, जिसमें हमें लेंथ ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन है। सो 21 इंटू 10.5 इंटू हाइट, यही हाइट हमें पता करना है तो इसे एज इट इज रहने देंगे। नाउ इक्वल टू का साइन है तो आपको पता ही है, दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 30 से 30 कैंसिल। अब ये हमारा देखिए क्या बच गया, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में होते हैं तो 0 कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट बच रहा है, दैट मीन्स 21 इंटू 10.5 इंटू हाइट इज इक्वल टू 882। क्लियर, अब इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में 10 यानी कि 10 आ जाएगा। नाउ डिवाइड करेंगे तो पहले 5 से, 5 टू जा 10,
5 से इसे डिवाइड किया तो आ गया 21। अब 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, तो 21 डिवाइड हो गया। नाउ 3 से 882 को डिवाइड किया तो आ गया 294। क्लियर। अब इस 7 से 294 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42। नाउ 21 से 42 डिवाइड हुआ तो आ गया 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा ये 10 एंड ये 82, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है। दैट मीन्स 2 × 2 = 4, तो हाइट इज इक्वल टू 4 cm इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज If each edge of a cube is tripled up, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, क्यूब है, क्यूब के का each edge कह रहा है कि tripled है, then find how many times will its volume become, ठीक है। So हम लिख लेंगे volume of cube is equal to length of an edge का whole cube, तो only l cube भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि each edge tripled है, तो वो लिख लेते हैं फर्स्ट, if Each edge is tripled, जब each edge tripled होगा then volume क्या हो जाएगा, तो यहाँ volume dash बन लेते हैं इसे, तो volume dash is equal to tripled, that means इसका 3 × 2 हो जाएगा, so 3L का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। इज इक्वल टू, यहाँ अब L क्यूब है, यहाँ पे पावर में हमारा क्यूब है, दैट मीन्स 3 को 3 टाइम इंटू कर लेंगे, तो 3 × 3 × 3, ये हो गया हमारा 27, तो लिख लेंगे इज इक्वल टू 27 एंड एल का पावर 3, सो एल क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया वी डैश माने वॉल्यूम डैश 27 एल क्यूब। नाउ ये आंसर में हमारा आ जाएगा 27 वॉल्यूम, तो देखिए एल क्यू ये हमारा वॉल्यूम है, सो यहाँ हमने वॉल्यूम लिख लिया, और यही हमारा आंसर है, तो आंसर में हम क्या लेंगे इज इक्वल टू 27 टाइम्स, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 इज अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में मिल्क टैंक है, हुज रेडियस इज 1.4 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। सो फर्स्ट जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे रेडियस इज इक्वल टू 1.4 मीटर गिवन है, इसी तरह से हाइट दिया गया है 8 मीटर एंड सिलेंडर का है, सो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, नाउ पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, अब आर स्क्वायर है, रेडियस हमारा 1.4 है, सो 2 टाइम लिख लेंगे इसे, इंटू हाइट 8, नाउ डिवाइड करेंगे तो 7 से 1.4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2, नाउ इन सबको इंटू करेंगे, तो इंटू करने पे आ जाता है 49.28 क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि कितने लीटर मिल्क आएंगे इसमें, सो चेंज कर लेंगे इसे लीटर में, तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, सो 49.28 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, इंटू कर लेंगे 1000 से, 49.28 × 1000 लीटर इज इक्वल टू, इंटू करने पे ये आ जाएगा हमारा 49280 लीटर इज द आंसर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में के अंदर आपको कई बार आएंगे, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इस क्वेश्चन 8 इज अ क्लोज्ड बॉक्स इज मेड ऑफ 2 cm थिक वुड विथ एक्सटर्नल डायमेंशंस 84 cm 75 and 64 cm, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड बॉक्स है जो 2 cm थिक वुड से बनाया गया है, जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन यानी कि आउटर लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स ये फाइंड करने हैं। सो पहले हम लिख लेंगे आउटर लेंथ 84, आउटर ब्रेथ 75 cm, आउटर हाइट 64 cm, ये हमारा गिवन है, एक्सटर्नल डायमेंशन दैट मीन्स आउटर लेंथ ब्रेथ हाइट। नाउ हम इनर का पता करें फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो देखिए इन आउटर लेंथ 84 cm, तो इनर लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, अब जो बॉक्स है बॉक्स के दोनों साइड में 2 cm थिक बोर्ड है, दैट मीन्स इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इसे हम जब माइनस कर देंगे 84 से तब हमारा ये बीच का पार्ट निकल जाएगा, सो यहाँ हम लिख लेंगे 84 − 2 − 2। क्लियर। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 84 माइनस माइनस है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 हो गया, तो 84 में से नाउ 4 को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 80 cm। नाउ इनर ब्रेथ निकाल लेंगे इज इक्वल टू
तो इनर ब्रेथ हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 75 दिया गया है, दैट मीन्स 75 माइनस 4, अगेन माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 4 होता है, सो डायरेक्ट माइनस 5 में 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे, सो 75 माइनस 4 इजकल टू 71 सेंटीमीटर एंड इनर हाइट इजकल टू, ये आउटर 64 हो तो 64 में से अगेन 4 माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेंगे, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वुड यानी कि बीच के पार्ट को हमें निकालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आउटर में से, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा. सो हम यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम आउटर, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर का इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर, इस आउटर पार्ट का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स 84 इंटू 75 इंटू 64, देन ये माइनस का साइन. नाउ इनर का वॉल्यूम लिख लेंगे यहाँ पर, लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, सो ये हो जाएगा 80 इंटू 71 इंटू 60. नाउ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 403200 माइनस 340800. इसे माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 62400 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 9 इज, टू सिलेंड्रिकल जार्स कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इफ दियर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर हाइट्स. तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसे समझना. तो देखिए टू जार्स कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जिनमें करा कि सेम अमाउंट का मिल्क है, दैट मीन्स दोनों की वॉल्यूम सेम है. तो एक जार के वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, सेकेंड को V2, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम इक्वल है. इसी के साथ उन दोनों का डायमीटर दिया गया है 3:4 के रेशियो में. तो एक का डायमीटर D1, दूसरे के डायमीटर को हम D2 मान लेंगे. तो हम लिख सकते हैं D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू 3/4, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे. ये हमारा क्या है, गिवन है, क्लियर. तो डायमीटर गिवन है, वॉल्यूम हमारा इक्वल कहा जा रहा है. सो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले रेडियस निकाल लिख लेते हैं. तो रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2. नाउ वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर शेप में है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच, क्लियर. अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2 हमने लिया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ देख समझ लेते हैं, रफ में समझ लिया, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, तो आर है डी अपॉन 2, दैट मीन्स डी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर अपॉन 2 × 2 इज 4, ठीक है. तो यही डी का स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ हम ले लेंगे, तो ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड ये हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब हमारा आर स्क्वायर यानी डी अपॉन 2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4. एंड हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम दोनों का सेम, तो V1 इज इक्वल टू V2, तो यहाँ हम अगेन लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू V2. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ले लेंगे, तो V1 जब हम लेंगे तो जो डायमीटर D2 यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर, क्लियर. सो यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई, एंड ये हो जाएगा हमारा D1 का स्क्वायर, क्लियर. एंड H1 हाइट 1 फर्स्ट का अपॉन ये 4 इज इक्वल टू अगेन V2, तो V2 में ये D2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड H2 ले लेंगे हाइट को, एक का H1 एक का H2. सो ये फॉर्मूला हो गया पाई D2 का स्क्वायर H2 अपॉन 4. नाउ इक्वल टू का साइन में है, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया. नाउ D1 अपॉन D2 एंड ये दोनों स्क्वायर में, तो हम कॉमन में स्क्वायर ले लेंगे, एंड H1 का H1 अपॉन H2 हो जाएगा. तो इक्वल टू के फॉर्म में है, तो डायमीटर को एक साथ ले लेते हैं एंड इक्वल टू में हम हाइट लिख लेते हैं, तो इसके आगे का मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ. तो ये हमारा बच रहा है D1 अपॉन D2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे हम H2 अपॉन H1 H2 पाई H1. नाउ D1 अपॉन D2 ये हमारा 3/4 गिवन है,
जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो यही 3/4 लिख लेंगे इसकी वैल्यू। सो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h2/h1। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू h2/h1। क्लियर? इसी को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, h1 ऊपर चला जाएगा, h2 रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं h1/h2 इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल किया तो इसे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/9 इज इक्वल टू, रेशियो फॉर्म में हमें लिखना है, सो आंसर इज 16:9। ये हमारा आंसर हो गया। इस आंसर को आप ऐसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, बट आपके बुक में आंसर हमारा 16:9 के रेशियो में है, तो इसीलिए इसे हमने रेसिप्रोकल कर लिया। नाउ क्वेश्चन 10 इज, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्क्यूलर सिलेंडर इज हाफ एंड द हाइट इज डबल। ठीक है, रेडियस इसका क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, हाफ है, एंड हाइट उसका डबल है। वॉट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू डेट द ओरिजिनल सिलेंडर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब हमें कहा जा रहा है, कंडीशन दिया जा रहा है कि रेडियस हाफ है एंड हाइट डबल है, तो दैट मीन्स उसे वी डैश मान लेते हैं न्यू सिलेंडर के लिए। सो हम लिख लेंगे वी डैश इज इक्वल टू पाई। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर एच आ रहा है, एंड कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि रेडियस हाफ है, दैट मीन्स r/2 एंड इसका स्क्वायर, ये न्यू सिलेंडर के लिए वी डैश मान लिया, एंड हाइट डबल है, दैट मीन्स 2h। नाउ अब देखिए पाई आर स्क्वायर एंड h, इसे एक साथ कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 2 × 2 ये 4 हो गया, अपॉन में एंड ये 2, तो ये हो गया हमारा 2/4। नाउ ये कैंसिल कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 = 2 तो ये हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, इंटू 1 है तो यही रह जाएगा, अपॉन ये 2। क्लियर? तो वॉल्यूम डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। सो इसे हम लिख सकते हैं ये वी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम अपॉन में 2 लिख लेंगे। नाउ वी डैश अपॉन वॉल्यूम, वी डैश अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब हम ये इधर ले लिए तो ये हमारा 1/2 बन जाएगा, सो 1/2, एंड वी डैश इज टू वी यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1:2। ये हमारा आंसर हो गया, न्यू सिलेंडर टू ओरिजिनल सिलेंडर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।